Assalamualaikum. Welcome to my channel Literature and Grammar. In today's video, I will tell you 10 ways to encourage someone. The first sentence is You can do it. आप ये कर सकते हो. जब कोई किसी काम को करने में हेजिटेशन महसूस कर रहा हो तो आप उसको इस जुमले से इनकरेज कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को. नंबर टू इज नाइस जॉब, यू डिड ग्रेट. अगर कोई अपने मकसद में कामयाब हुआ है तो आप इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो मजीद अच्छा काम करे. से दिस आफ्टर द पर्सन हैज डन समथिंग गुड. नंबर थ्री, दैट वॉज अ नाइस ट्राई, अच्छी कोशिश थी. से दिस आफ्टर समवन मेड अ गुड एफर्ट बट फेल्ड. जब किसी ने अच्छी कोशिश की हो मगर उसे नाकामी हुई हो तो आप ये कह सकते हैं. नंबर फोर, डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारो. से दिस व्हेन समवन इज करंटली हैविंग डिफिकल्टीज. किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप इस जुमले को बोल सकते हैं ताकि वो मुश्किलात का सामना कर सके. नंबर फाइव, गिव इट योर बेस्ट शॉट, अपनी पूरी कोशिश करो. इन दिस सेंटेंस बेस्ट शॉट मीन्स बेस्ट ट्राई, बेस्ट एफर्ट, ताकि वो इंसान पूरी तरीके से मेहनत करने की कोशिश करे. नंबर सिक्स, यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. जब कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा हो तो उसे इनकरेज करने के लिए ये जुमला बेहतरीन है. नंबर सेवन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही रास्ते पे हैं. यानी अगर कोई इंसान सही तरीके से काम कर रहा है तो उसे मज़ीद इनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल करे, आप ये जुमला बोल सकते हैं. नंबर एट, दैट्स अ रियल इम्प्रूवमेंट, अगर किसी ने पिछली दफ़ा से अच्छा किया है तो आप ये कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी स्टूडेंट ने लास्ट टाइम से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो आप ये कह सकते हैं ताकि वो मज़ीद मेहनत और कोशिश करे. नंबर नाइन, यू हैव आलमोस्ट गॉट इट, अगर कोई अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, अपना मकसद हासिल करने वाला है, तो ये जुमला बोलकर आप उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं. नंबर टेन, कीप अप द गुड वर्क, अगर कोई अच्छा काम करता है और आप चाहते हैं कि वो हमेशा इसी तरीके से उस अच्छे काम को करता रहे तो फिर आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किसी गरीब की मदद करता है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी वो अपने इस अमल को जारी रखे तो फिर आप कह सकते हैं Keep up the good work. If you like my video, hit the subscribe button.